बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा खाने का जुनून हमें एक बार फिर एक नई और खूबसूरत मंजिल की तरफ ले आया। होटल फारान एक ऐसी जगह जो ख्वाबों की तरह खूबसूरत और रंगीन। अंदर दाखिल होते ही ख्वाबों की नगरी का सा गुमान होने लगता है। मज़ेदार टोमेटो सूप और वाइट कॉर्न सूप, उसके साथ लवाजमात, वाह भाई वाह। माँ के हाथों जैसा मज़ेदार खाना जिसमें रिवायती बिरयानी, ग्रेवी चिकन कढ़ाई, मसूर की दाल, वाह। साथ साथ बीफ सीख कबाब, चिकन नगेट्स, मैश प्रॉन कबाब, चिकन रोस्ट, फ्रेंच फ्राइज, कमाल हो गया जी। मज़ेदार सैलड्स, चटनियाँ और सॉसेस, तरकारी के साथ पूरी और सालन के साथ नान और ऑमलेट के साथ पराठा टेबल पर ही पहुंचा दिया गया। बेहतरीन सर्विस। अरे अरे भाई, अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी तो मीठा बाकी है जनाब। गाजर का हलवा, सूजी का हलवा और ट्राइफल, अभी तो नाश्ता भी बाकी है, जो कि ब्रेड, टोस्टर, मक्खन, जाम, केक, डिटॉक्स वाटर, पीच जूस, चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी और जनाब इन सब पर बेहतरीन लाइव म्यूज़िक का तड़का, नौजवान सिंगर इबाद की लाइव परफॉर्मेंस, हेड वेटर उस्मान की लाजवाब सर्विस और सबसे बढ़कर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जुनेद का बेहतरीन अंदाज और कमाल का अंदाज, एक बेहतरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरी दानिश मलिक की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दानिश ऑनलाइन में आज फिर हम आपके साथ हाजिर हैं। मेरा आज, जैसे कि आपको पता है कि बहुत शदीद ठंड है और कराची वालों के लिए ठंड तो एक फेस्टिवल की तरह होती है, इसमें जहाँ बहुत कुछ होता है वहाँ पे खाना पीना होता है, और आज मैंने भी मौसम के हिसाब से जीन्स का कुर्ता शलवार पहना है। आज फिर हम लोग एक नए सफ़र पे निकले हैं अपने, और मेरा हमेशा से आपको आपके साथ वादा है कि मैं आपको कम बजट में अच्छे से अच्छा मेन्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आज फिर हम एक जगह पहुँचे हैं जहाँ पे डिनर हम नहीं दिखा रहे, हम लंच नहीं दिखा रहे, हम ब्रेकफास्ट नहीं दिखा रहे, हम आपको मेरा फेवरेट ब्रंच दिखा रहे हैं। आपको पता है कि ब्रंच क्या होता है, तो आज हम ब्रंच दिखा रहे हैं और लोकेशन आपकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम मौजूद हैं होटल फारान पे, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़बरदस्त जगह है। हम यहाँ पे आज हम आ चुके हैं, तो आज हम यहाँ इनके गेट पे मौजूद हैं। अब हम अंदर जाते हैं, इनकी ब्रंच की टाइमिंग तो 12 बजे से है, बाकी तफसीलात हम अंदर चल के देखते हैं। तो देखिए जी, हम होटल फारान के अंदर आ चुके हैं। अब हम यहाँ का एम्बियंस आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा हाई टी बुफे का मेन्यू, इसमें ब्रेकफास्ट बुफे भी है, संडे ब्रंच भी है, टी लंच वगैरह और सब तमाम चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इनका एम्बियंस देखेंगे, कितना खूबसूरत, कितना बेहतरीन करके इन्होंने यहाँ पे सिटिंग एरिया अरेंज किया है, और बहुत खूबसूरत एक जो एक लुक हम अगर देखते हैं तो हमें एक बहुत ही लेविश जगह का एहसास होता है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, बिल्कुल आपको मैं भी नज़र आ रहा हूँ और बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, ये इनका मेन काउंटर है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे मिस्टर जुनेद के पास, जो यहाँ के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं और जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है। हम उनके पास चलेंगे और फिर उनसे हम ये सारी बातें करेंगे। सबसे पहले हम एम्बियंस देख लेते हैं इनका, और फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, फिर हम मेन्यू की तरफ भी जाएंगे। और फिर ये देखिए, आपको एक एक चीज़ एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत नज़र आ रही है। ये देखिए इनका लोकेशन देखिए, मैं तो बहुत ही इम्प्रेस हुआ हूँ इनकी तमाम लोकेशंस को देखकर, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम अंदर चलते हैं और इनके जो मेन एम्बियंस हैं वहाँ वो देखते हैं, ठीक है। ये हम गेट खोल के अंदर दाखिल हुए हैं और ये देखिए जी, हम बहुत तफसील से ये सारी वीडियो को शूट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि हम आज आपको कितनी खूबसूरत जगह पर लेकर आए हैं। ये देखिए, दूर तक देखें और एक बहुत ही ख़ास एहसास होता है। अच्छा, मज़े की बात ये है, आगे बिल्कुल हमारे शीशा लगा हुआ है तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर तक हम नज़र आ रहे हैं। ये देखिए जी, इस तरह से, ठीक। अच्छा जी, हम यहाँ पर अंदर इंटर हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिस्टर जुनेद यहाँ के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है, और बिलीव मी ऑर नॉट, अगर मुझे
मिस्टर जुनेद बार बार मोटिवेट ना कर रहे होते तो शायद मैं नहीं आता, क्योंकि आज आपको पता है कि इलेक्शंस भी हैं और माहौल भी थोड़ा गर्म गर्म है, तो हम शायद नहीं आ पाते। लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ तो मिस्टर जुनेद का ही है, तो हम मिलते हैं मिस्टर जुनेद। अस्सलाम वालेकुम जुनेद साहब, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो आपके लिए एक बेस्ट विशेज़ के आप इतना सबके साथ मोटिवेट रहते हैं। अगर आप मोटिवेट नहीं करते तो शायद हम नहीं आते। लेकिन हमें एक जो अपने व्यूअर्स को दिखाना होता है, एक नई से नई जगह दिखानी होती है और जायके दिखाने होते हैं, तो हमें तो आना ही था, लेकिन शायद हम कुछ दिन ठहर कर आते, लेकिन आपकी मोटिवेशन से हम थोड़ा जल्दी आ गए। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको शायद पहले भी कहा कि मुझे इंतज़ार था कि शायद मुझे आगे से अंकल से मुलाकात होगी, लेकिन माशाल्लाह आप तो बहुत यंग हैं और उसके बाद आपको मार्केट एग्जीक्यूटिव होना बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा सा हमें यहाँ के बारे में गाइड करें और फिर हमें मेन्यू की तरफ लेके चलें। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि होटल फरहान जैसे कि इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में, तो ये जो संडे ब्रंच का जो सिलसिला था ये हमने भी वन मंथ पहले स्टार्ट किया है। अच्छा, तो ये कि ताकि थोड़ा कस्टमर इंगेजमेंट हो, तो पहले थोड़ा सा रिस्पॉन्स थोड़ा कम था, कोरोना था थोड़ा सा ना, तो आराम निकलना बंद हो गया, तो हमने सोचा थोड़ा ब्रंच का सिलसिला शुरू करें ताकि लोग इंगेज हों, थोड़ा गैदरिंग आउटिंग हो। तो प्राइस भी हमने बहुत ऐसी रखी कि एक फ्रेंडली। मकसद नहीं कि उस पर आपकी महंगाई जो है मार्केट में जो महंगाई होती वो थोड़ा सा असरअंदाज नहीं होती, असरअंदाज करती, लेकिन एक कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो कस्टमर आ रहा है, उसको एक लगाव लग रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा मद्देनजर रखें ताकि कस्टमर आए। ये नहीं कि बोले कि उसकी पॉकेट फ्रेंडली नहीं है या वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, ये ऐसी है कि ठीक है, हर बंदा हर चीज़ का ठीक है। आप क्या क्या ऑफर कर रहे होते हैं यहाँ पर? मैं आपको मेन्यू विजिट करवाता हूँ। नहीं मतलब ब्रेकफास्ट है, हमारे पास बैंकवेट है, हमारे पास कॉन्फ्रेंस हॉल है, मतलब जो मतलब हर तरह की फैसिलिटी। अच्छा अच्छा अच्छा, इवेंट्स के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस, मतलब इवेंट मैनेजर हमारे ठीक है, तो बैंकवेट हॉल हमारा ऊपर है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, मतलब किसी मीटिंग है किसी की, कॉर्पोरेट मीटिंग है वो कर सकता है, लंच यहाँ पर अफोर्डेबल है और रीजनेबल प्राइस। अच्छा, सब मेन्यू है या फिर अला कार्ट है? अला कार्ट भी है और जैसे कि मेन्यू भी है। मेन्यू सिर्फ संडे है या फिर ऑल डेज है? अच्छा, आपका लंच बुफे मेरी नज़र से नहीं गुजरा। अच्छा, वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, चले हम ब्रेकफास्ट की तरफ चलते हैं, बंद कर दो, मेन्यू विजिट करेंगे, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो हमारे शेफ है माशाल्लाह सर, अपना तो आज कराई का उस्मान है जी। तो आपके यहाँ पे हेड शेफ है? तो ठीक है, आप हमें विजिट करा रहे हैं। तो वैसे जी क्या क्या है आपके पास? ये कौन सा सूप है? चिकन कॉर्न रेड सूप है। मैं थोड़ा सा देखूँ इसको अंदर से। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह बहुत थिक है, ज़बरदस्त है। ठीक है जी, थैंक यू। ये इसके लवाजमात हैं सारे जी सर। अच्छा, चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है सर? ये चिकन कॉर्न सूप है जी। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। सर ये बिरयानी है हमारी नेक्स्ट में। अच्छा अच्छा, मैं देखना चाहूँगा। थैंक यू, ज़बरदस्त। अगर आप यहाँ पे इसकी खुशबू सूंघ सकते हैं तो मैं बताता आपको कि इसमें से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। बहुत अच्छी, ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, हर होटल का एक सिग्नेचर आइटम होता है, तो आपके यहाँ पे सिग्नेचर आइटम क्या है? जैसे सिग्नेचर आइटम हमारा तो मेन अच्छा है कि बिरयानी, मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी रिकमेंडेशन। ठीक है, जो आ रहा है और कमेंट कार्ड पे लिख के जाते हैं कि बिरयानी। बिरयानी तो ऐसी चीज़ है कि बिरयानी खाने का तो रह ही नहीं सकते, बिरयानी के भी टेस्ट होते हैं हर जगह। अच्छा ठीक है, कहीं भी चले आपका सिग्नेचर सिग्नेचर तो कोई खास नाम दिया हुआ है आपने इस बिरयानी को? चिकन बिरयानी। अच्छा ठीक है, चले हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है सर? ये हमारी चिकन कढ़ाई है। चिकन कढ़ाई है, बेहतरीन। वाओ, बेहतरीन ग्रेवी है, ज़बरदस्त, दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है और मुझसे तो समझ भी नहीं हो रहा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्या है?
अच्छा दाल भी है, ये आपके ऑप्शंस में नहीं था, ये मेरे लिए सरप्राइजिंगली है। अच्छा नहीं, खुशबू बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त, एक बिल्कुल घर जैसी टेस्ट जैसी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। और दाल में अगर धनिया ना हो तो दाल आधी रह जाती है। नेक्स्ट क्या है सर? सर ये बीफ कबाब है, बीफ सीख कबाब है, ये तो मेन आइटम है, तो इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं है ना। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, खा के देखेंगे फिर बताएंगे आप। नेक्स्ट बाकी थोड़ी सी डिशेज अभी आ रही है, वो वहाँ से शुरू कर लेते हैं ना, सैलेड में खाते हैं, वो हम बाद में जोड़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। और ये थोड़ा पास्ता टाइप है, ठीक है, और ये सारी सॉसेस वगैरह इस, तो मतलब आपने बच्चों का भी बहुत ख्याल रखा हुआ है, हर तरह के सॉसेस आया था, हो गया ग्रीन चटनी, हो गई इमली, ठीक है, सारी योगर्ट है ये, और मस्टर्ड सॉस है, टोमेटो सॉस है, मतलब मुख्तलिफ जैसे के जो सॉसेस, अचार है ये, ठीक है। अच्छा जो फिर आमलेट्स वगैरह हैं वो आपके ऑन डिमांड आते हैं? ऑन डिमांड होता है, ऑन डिमांड चीज़ मांगेगा उसको चीज़ का मिल जाएगा, जो वेजिटेबल मांगेगा वेजिटेबल, और कोई सादा लेना चाहे तो कोई भी, जो आपकी डिमांड है, ठीक है। और बाकी ये जूसेस वगैरह हैं, जूसेस में क्या क्या है? जूसेस में ऑरेंज जूस अभी बस आ ही रहा है, और ये जो फ्रेश जूस, ये मतलब जो मतलब कुकम्बर का वाटर होता है ना, जैसे कि सही उसके रहस्य होते हैं, ठीक है। और कुछ है? और ये केक्स वगैरह हैं, ठीक है, और न्यूटेला टोस्ट है, जो टोस्ट होता है, ज़बरदस्त, और ये ट्राइफल है, ठीक है जी, ओके। और अच्छा आपके बेकरी आइटम्स में यही है? बेकरी आइटम्स हमारी, ठीक है, या और मज़ीद आने वाले हैं? नहीं फिलहाल। अच्छा, और नीचे में भी यही है? ट्राइफल है आज, आज के लिए आज से ट्राइफल, ठीक है, जैसे कि जो हर संडे कुछ ना कुछ एक चेंजिंग करते हैं, जैसे आज ट्राइफल है, अगले संडे शायद कुछ और हो। अच्छा तो आप इसको क्या सैटरडे संडे क्यों नहीं कर देते? क्योंकि सैटरडे भी बहुत सारे लोगों को ऑफ होता है, लेकिन अभी एक्चुअली में स्टार्ट किया था ब्रंच, तो फिलहाल हमने संडे को मेन फोकस रखा है। अच्छा, संडे को सबकी छुट्टी होती है, सैटरडे को किसी की होती है किसी की नहीं होती। हाँ लेकिन अच्छा, अगर संडे को सबकी छुट्टी होगी तो एक आपको रश सा मिलेगा, और किसी को टाइम नहीं भी मिलेगा, किसी को टाइम मिलेगा, तो बेहतर यही है कि मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप कम अज़ कम 2 डेज़ तो दें, ठीक है, 2 डेज़ दें। बाकी अभी ये चिकन रोस्ट है, ठीक है, वाओ ज़बरदस्त लुकिंग, क्रिस्पी, और मेरा तो फेवरेट है, शायद मैं इसके अलावा आज शायद कुछ और ना खा सकूं, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अच्छा, अमूमन मैंने देखा है कि जो बुफेज़ वगैरह हैं उस पर चिकन रोस्ट नहीं होता, बिल्कुल चिकन टिक्का होता है, ये चीज़ें होती है, लेकिन चिकन रोस्ट नहीं होता। ये भी हमने आज ही रखा है। अच्छा, नहीं था पिछले संडे। आई एम वेरी लकी, दोस्त तो खैर मेरा फेवरेट है। हाँ ठीक है, हम इनका सूप लेकर आ गए हैं, टाइमिंग स्टार्ट हो गई थी, और ये है पहले इनका टोमेटो सूप, और पहले हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ लग रही है, और मुझे बहुत ही ठीक और बहुत ही ज़बरदस्त महसूस हो रहा है, और मैं चेक करके देखता हूँ इसमें। हाँ हाँ हाँ, बेहतरीन। इनका सेकंड सूप है वाइट चिकन कॉर्न सूप, डिलीशियस, थोड़ी सी नमक की ज़रूरत है मुझे इसमें, सीजनिंग हमारे पास ही मौजूद है, हम इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको टेस्ट करते हैं, और यकीनन ये भी बहुत टेस्टी है। बंद कर ओके। हाँ जी, तो अब हम लेकर आ गए हैं चिकन बिरयानी, चिकन कढ़ाई, और दाल मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रही है इनकी दाल, तो हम इनकी सब फर्स्ट पहले चिकन बिरयानी टेस्ट करते हैं। अच्छा, इनकी दूसरी बात ये है, मज़ेदार बात, कि इनकी रोटी पराठा और पूरी जो है ये टेबल पे सर्व कर देते हैं, तो अभी हमारे पास रोटी आ गई है, और उसके बाद ये पराठा और पूरी सर्व करेंगे, तो ये बिरयानी खा के देखते हैं, जो बकौल इनके हमारा सिग्नेचर आइटम है। अच्छी है, एक डिफरेंट टेस्ट तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी है। मेरे मुझे जिस तरह के चावल पसंद हैं, और सेम वैसे ही इनकी दाल चेक करके देखते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त गरम रोटी है, बहुत गरम गरम रोटी है। मुझे ये लाल मिर्ची बहुत पसंद है दाल के अंदर, और हम मज़ा आ गया जी, इनकी दाल बहुत बेहतरीन है। चिकन कढ़ाई टेस्ट करके देखते हैं, चिकन कढ़ाई में कुछ
नया है या वैसी ही रिवायती है? बहुत टेस्टी है। कुछ इनका रिवायती टेस्ट है इसमें और कुछ नया सा कुछ फ्लेवर ऐड हुआ लग रहा है। बाकी इसके अलावा इनकी थोड़ी सी ये ड्रेसिंग वगैरह मैंने ली है, प्लेन योगर्ट लिया है और प्लेन योगर्ट तो वैसे ही नाश्ते में बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों के ब्रंच में प्लेन योगर्ट भी मौजूद है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब हम लेकर आए हैं चिकन नगेट्स हैं, ये एक नया सा नाम बताया था मुझे याद नहीं आ रहा, बीफ कबाब हैं और चिकन ब्रोस्ट है। तो हम चेक करते हैं फिर हम आपको बताते हैं कि क्या चीज़ कैसी है। सबसे पहले हमने ये एक डिफरेंट टेस्ट है, डिफरेंट चीज़ है। ये भी हम चिकन नगेट्स भी ट्राई करते हैं इनके, थोड़ा सा कर लेते हैं। बेहतरीन, ट्राई करते हैं इनका हम बीफ सीख कबाब। और बेहतरीन, और चिकन रोस्ट मेरे खाने का एक अलग ही अंदाज़ है। मैं किसी की तरफ नहीं देखता चिकन रोस्ट खाते हुए, मेरा यही अंदाज़ है। ठीक है, अभी हम खाएंगे फिर हम आपको और दूसरी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि वो कैसी लगे। जी जनाब, जिस तरह इनके खाने में वैरायटी है इसी तरह से इनके हॉट बेवरेज में भी वैरायटी है। चाय है, कॉफ़ी है और ग्रीन टी है। ग्रीन टी में भी दो तीन तरीके की वैरायटी है। मैं चाय नहीं पीता, मैं ग्रीन टी पीता हूँ, इसलिए मुझे ग्रीन टी प्रोवाइड कर दी गई है। हम टेस्ट करते हैं ग्रीन टी का, तो वही नॉर्मल जायका होगा जो हमेशा हुआ करता है। तो हम ये ग्रीन टी इन्जॉय कर रहे हैं, ये हमें टेबल पे ही प्रोवाइड कर दी गई है। बाकी इबाद से हमने फरमाइश की है कि हमारे लिए मुसा फ़तेह अली साहब के अच्छे अच्छे सॉन्ग सुना दें, वो इबाद हमें सॉन्ग सुनाएंगे। पराठे का एक बाइट लें और फिर उसके साथ हम चिकन कढ़ाई को खा लें, फिर उसके बाद हम कहेंगे बताओ पान साहब एक ऑमलेट चीज़ बस। जी जनाब, तो अब बारी आ गई है मेरे फेवरेट आइटम की, यानी कि मीठे की। तो मीठे में भी इनके पास काफ़ी वैरायटीज़ हैं, जैसे कि सूजी का हलवा है, मुझे बहुत पसंद है। गाजर का हलवा आजकल तो सीजनल है, बहुत अच्छा है लगता है। ट्राइफल है, ये भी मेरा भी और मेरे बच्चों का भी बहुत फेवरेट है, तमाम बच्चों का फेवरेट होता है। और इनका न्यूट्रिला टोस्ट है, ये भी आज मैं ट्राई करके देखूंगा। और ये केक्स हैं और बाकी बेकरी आइटम्स तो बहुत सारे हैं इनके पास, लेकिन जो मुझे खा रहे थे मैं वो नहीं खा रहा हूँ। टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं गाजर का हलवा टेस्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं ट्राइफल को। नॉट बैड, टोस्ट चेक करते हैं। ठीक है, इंजॉय करते हैं फिर आप समझ। जी तो अब हमारे पास आ गया है हमारा चीज़ ऑमलेट, ये भी ऑन डिमांड ये टेबल पे प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अंदर से, वाओ ज़बरदस्त, क्या चीज़ ही ऑमलेट हो रहा है। ठीक है, और इसके साथ हमने एक ब्रेड ली है। ब्रेड पे मैंने
आधे पे बटर लगा लिया, आधे पे चावल लगा लिया, पराठा लगा था हमारे पास मौजूद है। टेस्ट करते हैं टेस्ट कैसा है इनका ऑमलेट का, जब बताते हैं आपको। अच्छा है, रिवायती जाएगा थोड़ा लेकिन मज़े का है। साथ साथ हम ग्रीन टी के सिप लेंगे और उसके बाद आप सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। क्या वीवर्स के एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ करते हैं? बिल्कुल, ये हमने स्पेशली म्यूजिक लॉन्च किया था, मतलब इसके लिए ताकि जो अगर खाना खा रहा साथ साथ म्यूजिक थोड़ा इन्जॉय कर ले। अच्छा, और ये लाइव म्यूजिक है, मतलब ये साउंड नहीं लगा हुआ, जैसे कि ट्यून जी ये लाइव बंदा परफॉर्म करे। आप खाना भी खाए और साथ साथ लाइट म्यूजिक भी सुनते रहे, बहुत जबरदस्त है। अच्छा, यहाँ पर मुझे पराठे और पूरी नजर नहीं आई, क्या वो आपकी ऑन डिमांड? अच्छा, गर्म 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 जैसे अभी थोड़ा विंटर सीजन भी चल रहा है, अब एक चीज आती है कौन सा ना, अभी बुफे लगा हुआ ये ब्लस सेंटर बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ठीक है, हम थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और अगर आपके सिंगर्स हैं तो उनसे भी हमें मिलवा दीजिएगा। अच्छा जी, माशाल्लाह आप लाइव सिंगिंग करते हैं आजकल, तो माशाल्लाह यंग सिंगर्स में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और जिस तरह की अभी कैफी खली भी एक छोटे से इलाके से निकल के आए, लियारी से निकल कर आए हैं, तो आपका ताल्लुक माशाल्लाह कहाँ से? अच्छा अच्छा, वहाँ से तो हमारी खैर बहुत ही पुरानी यारी है जमशेद रोड से, क्योंकि मेरे एक बहुत ही सीनियर हैं, वो वहाँ रहते हैं। ठीक है, तो फिर हम आपसे लाइव म्यूजिक सुनेंगे, दो चार तमाशे भी कर लेंगे, हमें तो जूसा कर रही था बहुत पसंद है, तो उनकी दो चार तमाशे कर लेंगे। ठीक है जी, बहुत ही ज़बरदस्त, एक तो सरप्राइज़ हो रहा है, एक तो मुझे चिकन बोल देख के बहुत, मैं अगर आपने चिकन बोल के दो पीस खा लिए समझ आपके 400-500 तो यही बराबर हो जाते हैं, क्योंकि मुझे जो ब्रांड पसंद है जॉन डोज का, मुझे चिकन डोज चिकन डोज मुझे बहुत पसंद है, वो मेरे ख्याल में 500 का शायद अराउंड 500 का फिगर जाता है, तो इतने कम रिजनेबल प्राइस में। अच्छा, मुझे अब प्राइस के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या प्राइस है, और जो अडल्ट के प्राइस चल रहे हैं जो 12-11 से अबव है उनके 975 प्लस टैक्स है। और अगर हम इन चीज़ों को भी स्किप करते हैं तो इतना खूबसूरत एरिया मिल रहा है और इतनी खूबसूरत जगह मिल रही है हमें, और आपसे खूबसूरत मिल रहा है। हाँ, 5 साल से 11 साल के उनके लिए 650 प्लस। अच्छा, मतलब जो बच्चे हैं अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल है, क्योंकि अगर हम बाजार से भी कुछ कैरी करके, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक चिकन रोस्ट तो वही आप, और एक चिकन रोस्ट है हमारे बच्चा भी कुछ नहीं होता मेरा कुछ नहीं बनता है चिकन रोस्ट है, लेकिन बाहर ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। इंशाल्लाह हम थोड़ा सा देखते हैं, और अपना जो लाइव लोकेशन है वो जरूर मुझे दीजिएगा ताकि हम डिस्क्रिप्शन में डाल दें। ठीक है, हम आप उनका लंच इन्जॉय करते हैं, फिर उसके बाद हम आपसे गाँव में आ देते हैं। उम्मीदें कुछ बाकी है मुझे भी दिया, क्यों आती है न जाने कब से दूर तेरे माथे पे बिंदिया तेरी आँखों का काजल है, तमन्ना हमें तुम्हें खुद हम सजाए। जी तो वीवर्स, हम अपना लंच ख़त्म कर चुके हैं, इवनिंग के ब्रंच ख़त्म कर चुके हैं, बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ा आया, इंडियाज बहुत अच्छा था, सेटिंग बहुत अच्छी थी, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत अच्छे लगे मुझे, और इनके बाकी लोग भी, बाकी स्टाफ भी बहुत कॉपरेटिव, बहुत अच्छा था, और इसके साथ साथ लाइव म्यूज़िक का जो तड़का था और सब मज़ा आ गया जी। आज के दिन को हमने बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय किया,
बाकी जो डिटेल्स हैं वो हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें दुआओं में याद रखें। दानिश ऑनलाइन, दानिश मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है।